जय हिंद दोस्तों, यह सेशन सातवां सेशन है। इसके पहले मैं 6 सेशन कर चुका हूं स्पेशल इसके लिए। इसमें 10 ही क्वेश्चन लिए जाते हैं, लेकिन इसके तहत 10 से लगभग 50, 60 या 70 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मैं बोल देता हूं। आप पेन कॉपी साथ में रखिए, उसे लिखते जाइए, और वर्ल्ड का मैप साथ होना चाहिए, क्योंकि मैं कोई ना कोई एक वर्ल्ड का भी लेता हूँ जो विश्व भूगोल का रहता है। जैसे ये विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि कौन सी है, ठीक, तो इन सब विषयों पर चर्चा किया जाएगा। साइंस का भी रहेगा और संविधान का भी क्वेश्चन रहेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, तो संसद में संयुक्त अधिवेशन बुलाने का कौन सा अनुच्छेद है? यदि आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। इसके अतिरिक्त जितने भी अधिवेशन अभी तक बुलाए जा चुके हैं, 3 अधिवेशन, उन सबको मैं टिक्की द्वारा बताऊँगा और विस्तार से भी बताऊँगा, ठीक। तो आप पूरा वीडियो को सिर्फ देखिए। दूसरा क्वेश्चन है कि IMF का स्थापना कब हुआ था और इसमें लगभग कितने सदस्य हैं। और तीसरा क्वेश्चन है, विश्व क्या सबसे चौड़ी जलसंधि कौन सा है। चौथा क्वेश्चन, समता का अधिकार किस अनुच्छेद तक है, मतलब ये आपको बताना है। ठीक, अर्घ किसका मात्रक है, सावनीकरण क्या है, मतलब किसके मिलने से सावनीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होता है, ये पूछा गया है। और सातवां क्वेश्चन है कि कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, कौन सी नदी है कि वो विषुवत रेखा को भी काटती है और कर्क रेखा को, ये सब बातें बताई जाए। अगला क्वेश्चन, त्वरण का मात्रक क्या होता है और त्वरण कौन सी राशि है, सब। अगला क्वेश्चन, धोने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होगा। और दसवां क्वेश्चन, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली नसों को क्या कहते हैं। तो ये टोटल 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन से संबंधित मैं सभी क्वेश्चन से 8 या 10 क्वेश्चन बताएंगे। तो आज का मोटिवेशन है कि कला का पूर्णतः निर्दोष होना भी एक दोष है। इसको इस बात से समझ लो, अगर कोई भी व्यक्ति है उसमें पूर्णतः निर्दोष पाया जाता है तो उसकी जो कला होगा वो निर्जीव होगा। इसका अर्थ ये होगा, कितने को तो ये ऊपर से निकल गया। पुनः मैं वो लाइन बोलता हूँ कि कला का पूर्णतः निर्दोष होना भी एक दोष है। मतलब कोई भी कला है आपके अंदर, उसमें कोई दोष ना हो, ये भी एक क्या है आपका एक, मतलब कोई निर्दोष ना हो, ये भी एक क्या है, दोष है, ये बातें कहा गया। तो इसका मतलब ये है कि चाहे आप रामायण देखते हो या मूवी देखते हो या कोई भी कलाकारी करते हो, उसमें कुछ ना कुछ दोष होता है, तो ये होना ज़रूरी है। मैं अभी बोलता हूँ, कभी कभी कोई वर्ड भी मुझसे गड़बड़ हो जाता है, ये मेरा दोष है, ठीक, कि मैं कोई वर्ड को गलत से कुछ बोलने जा रहा था, कुछ निकल आया, ये दोष है, ठीक। तो यही दोष है, यदि ये पूर्णता दोष ना हो, मतलब निर्दोष हो जाए, तब भी ये क्या है, एक दोष है, इसी बात को बोला गया है। गलतियां तो सभी से होता है ना, ये तो कहा ही जाता है। चलिए, संसद में संयुक्त अधिवेशन बुलाने का कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 108 है। आप एक एक बात को लिखते जाइए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो 108 ये आपका आंसर होगा। 108 अनुच्छेद के तहत संयुक्त बैठक बुला सकता है, 21 कंडीशन में बुला सकते हैं, जब लोकसभा और राज्यसभा में थोड़ा सा खींचा खाची हो, ठीक, तब ये बुला सकते हैं 108 अनुच्छेद के तहत। यदि बुला लेते हैं तो उस समय अध्यक्ष कौन से होते हैं, ये क्वेश्चन पूछता है कि संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्ष कौन होगा। तो संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्ष लोकसभा का स्पीकर होगा। कौन होगा, लोकसभा का स्पीकर होगा। आप पिन कॉपी साथ में रखिए और लिखते जाइए, लोकसभा का अध्यक्ष होगा। तो लोकसभा का अध्यक्ष होगा, और भी बात कर ले तो संयुक्त अधिवेशन लोकसभा का अध्यक्ष जो बनता है, ये किस अनुच्छेद में रखा गया है, लोक खेल, ठीक, तो इसको रखा गया है 118 अनुच्छेद में। 118 अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष होगा किसका, संयुक्त अधिवेशन का। दो पॉइंट हो गया ना, पहला 108 संयुक्त अधिवेशन, दूसरा 118 अनुच्छेद। 118 मतलब इस संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्ष कौन होगा, लोकसभा का स्पीकर होगा, अध्यक्ष होगा, ठीक। अगला पॉइंट लिखते हैं, तो यदि बात करें अभी तक कितने अधिवेशन बुलाए जा चुके, तो 3 बार, वो कौन कौन से हैं, एक है दहेज उत्पीड़न, उसके बाद बैंकिंग संबंधित एक था, और तीसरा था पोर्ट आतंकवाद के संबंध में,
रिपोर्ट करके था। दहेज की बात करें तो उस टाइम था 1961 और ये 1978 में ये अधिवेशन बुलाया गया था। और पोर्ट की बात करें तो आतंक निवारण हेतु तो 2002 में ये अधिवेशन बुलाया गया था। तो अभी तक इतिहास में मतलब संविधान में 3 बार ऐसा हुआ है कि संयुक्त बैठक बुलाया जा चुका है। कब कब? एक 1961 में, एक 1978 में, एक 2002 में। यदि बात कर लें तो उस समय यहाँ पर जवाहरलाल थे प्रधानमंत्री, जवाहरलाल, और यहाँ प्रधानमंत्री थे मोरार जी देसाई थे, और इस समय थे अटल जी। कौन थे? अटल जी। तो ये प्रधानमंत्री हुआ करते थे। यदि इन्हें देखा जाए तो एक ट्रिक से याद कर सकते हो। कैसे ट्रिक? ये ट्रिक ऐसे कर सकते हो कि दहेज बैंक में पीटा। अब इसको ऐसे याद कर सकते हो, एक मिनट रुक साहब, दहेज बैंक में पीटा, ठीक। तो दहेज ये कब हुआ? 1961 में जवाहरलाल संयुक्त बैठक बुलाया गया, ठीक, मतलब लोकसभा और राज्यसभा में खींचा तानी मचा, तो उस टाइम ये बुलाया गया। उसके बाद बैंकिंग सेवा संबंधित था, तो 1978 में उस समय मोरारजी देसाई हुआ करते थे प्रधानमंत्री, और पोटा संबंधित मतलब आतंकवाद निवारण हेतु तो 2002 में उस टाइम अटल जी क्या थे? प्रधानमंत्री थे। तो इसे याद करने का ये तरीका हुआ कि दहेज बैंक में पीटा, दहेज कोई लेने गया तो बैंक वाले ने क्या किया? पीटा, ऐसे करके दहेज बैंक में पीटा। ये सिर्फ याद करने का तरीका है। यदि तरीका अच्छा लगे तो वहाँ लाइक वाइक का बटन हो उसे दाबते रहिए, ठीक, शेयर करते रहिए, और चैनल पर गए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अभी आपको पता होगा कि लोकसभा राज्यसभा के अनुच्छेद कौन से हैं, ठीक। तो बात कर लेते हैं तो अनुच्छेद का, इसे लिखना चाहो तो लिख लो, उसके बाद इसे हटा देते हैं, ठीक। अब बात करें संसद का, तो संसद ये आपका 79 में है। किस अनुच्छेद में है? संसद 79 में। अब पूछा जाएगा कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो इसके 3 अंग हैं। एक होता है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति हो जाएंगे। तो राज्यसभा का यदि अनुच्छेद पूछा जाए तो राज्यसभा का हो जाएगा 80, लोकसभा का 81, राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52। यहाँ से कन्फर्म। अब बात कर लेते हैं राज्यसभा का कार्यकाल, तो 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 6 वर्ष का। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इन्हें निम्न सदन बोला जाता है। कौन सा सदन? निम्न सदन। और इसे उच्च सदन बोला जाता है। इसको निम्न सदन, इसको उच्च सदन। इसका राष्ट्रपति का कार्यकाल की बात करें तो इनका भी क्या होता है? 5 वर्ष होता है। अब आयु की बात करें तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। और लोकसभा के लिए 25 वर्ष न्यूनतम आयु होना चाहिए। और इनका न्यूनतम आयु 35 वर्ष। कितना? 35 वर्ष। राष्ट्रपति का न्यूनतम आयु कितना? 35 वर्ष। एक एक पॉइंट को लिखते जाए। अब बात कर ले तो इनका चुनाव की बात, तो राष्ट्रपति जो राज्यसभा होता है इनका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, जबकि लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष का मतलब ये 18 साल वाले इन्हें वोटिंग करेंगे। किसको? लोकसभा को। तो 18 को देखो उल्टा कर दोगे तो 81 हो जाएगा। ये याद करने का तरीका भी है, उल्टा कर दो। अब आपको ये याद कैसे रहेगा कि लोकसभा 81 में रहता है, तो 18 वर्ष वाले इन्हें वोटिंग करते हैं, तो 18 का उल्टा कर दोगे ये 81 हो जाएगा। और एक मैं अभी हाल ताज में ही पढ़ाया है कि किस संशोधन द्वारा 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया है। यदि आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में करो, ठीक, उसे बता देना। पहले क्योंकि ये 21 वर्ष का था, जो मतदान का आयु था 21 वर्ष था, अब 18 वर्ष है, ठीक। इनका चुनाव होता है अप्रत्यक्ष। इनका चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष होता है, ठीक। अब बात कर लेते हैं कि सीटों की, तो राज्यसभा में 245 सीट है और इसमें 545 सीट है। 545 में 2 मनोनीत किए जाते हैं और इसमें 12 मनोनीत किए जाते हैं। जब 12 निकाल लोगे तो 235 पर क्या होते हैं? चुनाव होते हैं। इस पे 543 पर चुनाव होते हैं, ठीक। तो यहाँ तक बात कंफर्म हो गए तो लिख लीजिए, ठीक, ऐसे छाप लीजिए। अभी आपको विधानमंडल भी पता चलेगा, चलो इसे लिख लीजिए। तो विधानमंडल, तो विधानमंडल ये भाग 6 में है।
इसके पहले जो भाग बताए संसद भाग 5 में है, ठीक। भाग 4 में राज्य नीति निदेशक तत्व, तो भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 2 में नागरिकता, भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र। तो भाग 6 में 268 से 212 में भाग 6 है, ठीक। और विधान मंडल की बात करें तो इसके भी दो सदस्य और तीसरा हो जाएगा राज्यपाल, जैसे अभी मैं बताया संसद का, और ये राज्यपाल, तो राज्यपाल 153 में होंगे। और विधान परिषद 171 में होंगे, विधानसभा 170 में होंगे। तो इनका अनुच्छेद याद रखना, राज्यपाल 153 में, 52 में राष्ट्रपति, 153 में राज्यपाल, मतलब 52 में 101 जोड़ देना, ये ट्रिक होता है। 101 जोड़ोगे तो 153 आ जाएगा, 11 जोड़ोगे तो 63 आ जाएगा, जो कि उपराष्ट्रपति का है, ठीक। तो राज्यपाल हो जाएंगे 153 में। यदि विधानसभा की बात करें तो ये निम्न सदन है, जैसे उसमें क्या था निम्न सदन लोकसभा, वैसे इसमें विधानसभा, ये उच्च सदन है। और इसके कार्यकाल 6 वर्ष होते हैं, इसके कार्यकाल 5 वर्ष होते हैं। और ये प्रत्यक्ष चुनाव होता है, ये अप्रत्यक्ष होता है। बात कर लेते हैं तो एज की, तो ये 25 वर्ष के, ये 30 वर्ष के, कम से कम विधानसभा सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, और नहीं विधान परिषद सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, विधानसभा बनने के लिए 25 वर्ष, ठीक, जिसको विधायक बोलते हो। अब आगे भी बात कर लें तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष होगा, लेकिन इनके हर दो वर्ष में एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इनका भी कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन इनका चुनाव नहीं होता है, मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, और उन्हीं के जरिए वो पद से मुक्त भी हो सकते हैं, ठीक। तो ये बातें हैं, इसे पूरा लिख लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा कि संसद में संयुक्त अधिवेशन बुलाने का कौन सा अनुच्छेद है, तो 108 है। कौन सा है? 108, ये आप लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, IMF की स्थापना कब हुई थी? तो ये जुलाई 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद ये IMF की स्थापना हुई थी। ये पूर्णतः स्थापित कब हुआ था? तो दिसंबर 1945 में 29 देशों ने हस्ताक्षर किए तब। वर्तमान में देखा जाए तो इसमें लगभग 186 देश हैं। कितने कंट्री हैं? 186 देश हैं। और बात करें इसकी, हाँ, मुख्यालय का, तो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में है इसका मुख्यालय। और इसका फुल फॉर्म की बात किया जाए तो इंटरनेशनल मैंडेटरी फंड बोलते हो, क्या बोलते हो? फंड, इंटरनेशनल मैंडेटरी फंड बोलते हो। और हिंदी में बोला जाए तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इसका फुल नेम है, यहाँ से इतनी जानकारियाँ निकल कर आता है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय डीसी में है, ठीक। और लगभग इसमें 186 देश हैं। स्थापना की बात करें तो जुलाई 1944 में। इसका कार्य क्या होता है ये समझना है। एक कार्य क्या करता है कि ये मान चलो एक तरह का लोन देता है। कैसा लोन देता है? जो भी देश अपने गरीबी से जूझते हैं या किसी परेशानी में पड़ गए हों तो उन्हें लोन देता है। जैसे इस टाइम श्रीलंका का हालत पस्त है। अब विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि कौन सी है? तो एक परम आंसर होगा डेविस जलसंधि। कौन सा? डेविस जलसंधि। ये है किस स्थान पर? तो ये उत्तरी अमेरिका में, जहाँ पर डेनमार्क है, और उत्तरी अमेरिका के कनाडा वाले क्षेत्र के बीच में ही डेविस जलसंधि है। मैप में दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये है डेविस जलसंधि, यहाँ पर। इस विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि है डेविस जलसंधि, ठीक, यहाँ पर है। ये बेफिन की द्वीप है, उसके बाद ग्रीनलैंड है, डेनमार्क वाला क्षेत्र है, इसी के बीच में ये डेविस जलसंधि है। उसके नीचे आ जाओगे तो ये हडसन की खाड़ी, यहाँ पर लेब्राडोर सागर है और बिफोर्ड सागर है, आर्कटिक महासागर, ठीक। तो यहाँ इसका लोकेशन है, मैप साथ में रखिए और देखते रहिए। तो विश्व की जो सबसे चौड़ी जलसंधि है डेविस जलसंधि है। अभी
कल ही क्लास में बताया गया था जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि 21 दो स्थल को अलग करता है, तो यूरोप और क्या अफ्रीका को अलग करता है। बाब अल मंदे जल संधि ये एशिया और अफ्रीका को अलग करता है। पोरस की जल मरमरासी और काला सागर के बीच में है, बास्पोरस की जल संधि। केरिच जल संधि, सभी जल संधियां लिखते जाइए, केरिच जल संधियां काला सागर और एजोब सागर के मध्य में है। ठीक, तो एक प्रमुख कुछ जल संधियां हैं जिसे आप याद रख सकते हो, जिब्राल्टर जल संधि और बास्पोरस की जल संधि, केरिच जल संधि, ठीक, बाब अलमंदे जल संधि, पॉक जल संधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है समता का अधिकार। समता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो 14 से 18 ये समता का अधिकार है। इसके बाद स्वतंत्रता, उसके बाद शोषण, फिर धर्म, सांस्कृति, उसके बाद संवैधानिक उपचारों का जो अनुच्छेद 32 है। ठीक, तो ये भाग 3 में आता है। किस भाग में? भाग 3 में। ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत है समता का अधिकार। इसी में अस्मिता का अंत भी है, उपाधियों का अंत, ये सब बातें इसी में कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है अर्घ किसका मात्रक है, तो अर्घ कार्य का मात्रक है। अर्घ कार्य का मात्रक है, एक कार्य का सीजीएस पद्धत का मात्रक है। यदि पद्धत देखा जाए सीजीएस, तो पद्धत 4 होते हैं, सीजीएस होता है, एमकेएस होता है, और एसआई होता है, एफडीएस होता है, एफडीएस फुट पौंड, फुट पौंड FPS बोलोगे, फुट पौंड सेकेंड बोलोगे, इसे सेमी ग्राम सेकेंड बोलोगे, मीटर किलोग्राम सेकेंड, और ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होता है। ठीक, तो उसी पद्धति में अर्घ किसका मात्रक है, कार्य का है, और इसका जो बड़ा मात्रक होता है वो जूल होता है। कार्य का बड़ा मात्रक जो होता है जूल होता है, और इसका छोटा मात्रक एक जूल बराबर होगा 10^7 अर्घ, एक जूल बराबर हो जाएगा 10^7 अर्घ के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साबनीकरण क्या है। तो साबनीकरण वसा या तेल, तेल पर क्षार की जो अभिक्रिया कराया जाए, और उससे जो अभिक्रिया होता है वही, और उससे जो प्रोडक्ट बन जाए वही क्या कहलाएगा, साबनीकरण कहलाएगा, साबनीकरण कहलाएगा। ठीक, तो साबुन का कोई भी एक फार्मूला जैसे C17S35COONA, एक कठोर वाला साबुन है। ठीक, C17S35COONA, तो साबनीकरण क्या हो जाएगा, वसा या तेल पर जब क्षार की अभिक्रिया द्वारा जो भी अभिक्रिया होता है उसी को क्या बोलेंगे, साबनीकरण। अगला है कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो ये है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी जो अफ्रीका में स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, यह मकर रेखा को 2 बार काटती है, और जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी जो भारत में स्थित है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला क्वेश्चन, त्वरण का मात्रक क्या होता है, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, और यह एक सदिश राशि है। त्वरण कैसी राशि है, सदिश राशि। त्वरण का फार्मूला देखें तो वेग परिवर्तन बटा में समय अंतराल, इसी को आप बोलोगे त्वरण। अगला क्वेश्चन, धोने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होगा, धोने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ये धोने वाले सोडे का। खाने वाले का NaHCO3 हो जाएगा, और नमक का NaCl हो जाएगा। अगला, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली नसों को क्या कहते हैं, तो हृदय से जो शरीर की ओर रक्त ले जाते हैं, ये शुद्ध रक्त होता है, उसे क्या बोलते हो, धमनी बोलते हो। एक धमनी होता है, एक क्या, सीरा होता है। यदि बात किया जाए सीरा, तो सीरा में अशुद्ध रक्त बहता है, और ये शरीर से हृदय की ओर रक्त को ले आता है, किधर, हृदय की ओर रक्त ले आता है, और धमनी
हृदय से शरीर की ओर, और हृदय क्या करता है, पंप का कार्य करता है, शुद्ध को रक्त को शुद्ध करता है, रक्त को शुद्ध करता है। तो हृदय से शरीर की ओर धमनी ले जाता है। और बात करें तो धमनी में कोई कपाट नहीं होता है, कोई कपाट नहीं होता है, जबकि जब सिरा होता है तो इसमें कपाट होता है, कपाट होता है। ठीक, तो इसको याद कैसे रखोगे, तो सिरा को ऐसे याद कर लो, सा से सिरा हो जाएगा, सा से शरीर, सिरा को ऐसे याद रख लो कि सिरा से शरीर से हृदय की ओर, और धमनी को हृदय से शरीर। जब भी कोई दो चीज़ रहे तो उसका उल्टा कर दो, याद ऑटोमेटिक हो जाए। यदि सिरा याद हो जाता है, सांस से सिरा, सांस से शरीर, शरीर से हृदय की ओर, और जो भी शरीर से हृदय की ओर आएगा उसमें अशुद्ध रक्त रहेगा। कैसा रक्त रहेगा, अशुद्ध, और जो हृदय से जाएगा उसमें कौन सा रहेगा, शुद्ध रहेगा। कौन सा, शुद्ध, क्योंकि हमारा हृदय क्या करता है, रक्त को शुद्ध करता है। ठीक, तो इसमें कपाट, अब ऐसे समझ लो कोई जो बाहर से आएगा उनके लिए दरवाजा चाहिए, बाहर से आ रहा है ना ये शरीर से, तो इसलिए इसमें कपाट और इसमें कपाट नहीं होता है, इसमें कपाट नहीं, इसमें कपाट होता है। तो ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, पुनः एक बार सभी को देखते हैं। तो संसद में संयुक्त अधिवेशन बुलाने का कौन सा अनुच्छेद है, 108 है। IMF की स्थापना कब हुई, तो जुलाई 1944 में। विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि कौन सी है, डेविस जलसंधि है। समता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो 14 से 18 है। अर्घ किसका मात्रक है, अर्घ कार्य का मात्रक है। साबुनीकरण क्या है, साबुनीकरण तेल और वसा जब क्षार मिलाते हो उससे जो अपक्रिया होता है वही साबुनीकरण कहलाता है। कौन सी नदी मकर रेखा को दो बार काटती है, लिम्पोपो नदी दो बार काटती है। त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। धोने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होगा, Na2CO3। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली नसों को क्या कहते हैं, तो धमनियां कहते हैं या धमनी कहते हैं। तो ये कंप्लीट 10 क्वेश्चन हो गए हैं। यदि आपको सेशन अच्छा लगा तो शेयर जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।